देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 जैसा कि चल रही है, उस एक्सरसाइज 6.3 में हमने आपके लिए 12 प्रश्न बता दिए थे। 12 प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गए थे और अब हम आपको 13वां प्रश्न बताएंगे। तो 13वां प्रश्न देखिए क्या है। 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लिखा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा BC पर एक बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि ADC बराबर एंगल ADC बराबर है आपके लिए एंगल BAC, ये है, ठीक है भाई। और यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आप सिद्ध करिए, तो यहां पर आपको सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम बना लेते हैं एक त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, और कह रहे हैं कि बीसी भुजा पर स्थित है एक बिंदु, बीसी भुजा ए है, इस पर डी एक बिंदु स्थित है और इस तरीके से यहां पर है, ठीक है। तो डी इस पर अगर स्थित है तो वो कह रहे हैं एडीसी, एडीसी यानी ए से लेकर डी तक के जो है एडीसी, और कह रहे हैं कि बी ए सी, तो बी ए और सी ये वाला एंगल कहीं ना कहीं बराबर है। डी पर एक ऐसा जगह बिंदु है जो बराबर है, ऐसे करके कहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है भाई, बराबर है। तो हमें यह प्रूफ करना है, तो हम इनका अनुपातिक प्रमेय लगा देंगे। अगर हम इसको लगाएंगे तो अनुपात का प्रमेय लगा देंगे, कैसे, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी से, ए डी सी से, ये क्या लिखेंगे, देखें इसी से हम थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं, इसी से अनुपात बना लेंगे। सी ए का स्क्वायर है तो हम लिख देंगे सी ए, यानी सी से लेकर ए तक की दूरी, अपॉन में सी ए अपॉन में एक नंबर दूरी ले लो नीचे सी बी, सी ए अपॉन सी बी ले लिया, ठीक है भाई, सी ए अपॉन सी बी बराबर में आपके लिए सी ए का स्क्वायर देना है, तो इसका मतलब हुआ सी डी ऊपर रखो और बटे में सी ए नीचे ले आओ, है ना। तो ये अनुपात होगा, ये किसके अनुपात से, अनुपातिक प्रमेय से, अनुपातिक प्रमेय ना कहकर के समरूप लगा दो, समरूप, समरूप त्रिभुज के अनुपातिक, अनुपात से, अनुपात से लगा दो। तो ये अनुपात बना है, इस हिसाब से सी ए सी ए से गुणा कर जाएगा और इससे ये कर जाएगा, तो सी ए गुणे में सी ए बराबर सी बी गुणे सी डी, तो सी ए गुणे सी ए कितना हो गया, तो सी ए का होल स्क्वायर हो गया बराबर में सी बी गुणे सी डी, ये हो गया। तो यहां पर आपके लिए ये हो गया प्रूफ, यानी सी ए का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर बराबर हो गया सी बी इंटू सी डी, ये हो गया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहां पर क्या है आपके लिए प्रूफ हो गया, तो अनुपातिक प्रमेय का उपयोग करके हम यहां पर इस चीज को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजी तरीके से, है ना। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से करना पड़ेगा, तभी हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम यहां पर 14वें प्रश्न की। 14 वाला प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14वां वाला करेंगे। तो 14वां प्रश्न यह है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा मध्यिका एडी, एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं पीक्यू और पीआर तथा मध्यिका पीएम के क्रमशः समानुपाती हैं। दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है पीक्यूआर, पीक्यूआर, इसकी माध्यिका एम है, इसकी माध्यिका जो है वो एडी है। तो हमें यहां पर प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पीक्यूआर के, ये हमें प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो बिल्कुल होगा, यहां पर जो डी है वो मध्य बिंदु है,
डी है जो मध्य बिंदु है और ए डी मीडियन है, तो हम लिख देंगे ए डी माध्यिका है, माध्यिका है किसकी, ए डी माध्यिका जो है वो है त्रिभुज एबीसी की, एबीसी की। ऐसा ही जो है वहां पर पीएम, पीएम माध्यिका है त्रिभुज पी क्यू आर की, किसकी, पी क्यू आर की माध्यिका है। यानी यहां पर एडी माध्यिका है त्रिभुज एबीसी की और पीएम माध्यिका है पी क्यू आर की, त्रिभुज पी क्यू आर की, तो हम यहां पर डी कह सकते हैं मध्य बिंदु है। यानी डी और एम, डी और एम मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है डी और एम, क्या है मध्य बिंदु है। अगर डी और एम मध्य बिंदु है तो इसका मतलब बी डी बराबर, बी डी बराबर डी सी और क्यू एम बराबर एम आर, क्यू एम बराबर एम आर, ये हो गया है ना, बी डी बराबर डी सी और क्यू एम बराबर एम आर, ये हो गया आपके लिए। इस हिसाब से हम यहां पर कह सकते हैं कि जब दूरियां बराबर है तो कहीं ना कहीं ये त्रिभुज हम लगा देंगे यहां पर, कौन सा, यहां पर आर एच एस क्राइटेरियन लगा देंगे, बाई आर एच एस क्राइटेरियन, आर एच एस क्राइटेरियन लगा लेंगे जब हम यहां पर, तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब भी कोई त्रिभुज सर्वांगसम होगा, जब यह सर्वांगसम होगा, कोई भी त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा तो वह जरूरी है समरूप होगा, तो यहां पर लिख देंगे तो वह जरूरी, तो वह जरूर, ऐसे लिख देंगे तो वह जरूर समरूप होगा, कैसा होगा, समरूप होगा, ठीक है ना, समरूप होगा। तो यहां पर त्रिभुज एबीसी सिमिलर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मीडियन है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री पर होगी, और 90 डिग्री पर ही मीडियन खींची जा सकती है बिल्कुल, और एक त्रिभुज की जो मीडियन है वो तीन ही खींची जा सकती है। अगर हम त्रिभुज बना लेंगे इस तरीके से, तो एक मीडियन यहां से, एक मीडियन यहां से, इस तरीके से एक मीडियन यहां से और एक मीडियन यहां से, तीन मीडियन खींचे जा सकती हैं एक त्रिभुज के लिए। तो आपका यह प्रश्न पूरा हुआ, और अब हम इसी तरीके से श्रृंखला में बढ़ते हैं। पंद्रहवां क्वेश्चन, पंद्रह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। देखिए बच्चों, यहां पर हम आपके लिए प्रश्न कराने वाले हैं पंद्रह नंबर क्वेश्चन। पंद्रह नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको कराएंगे। लिखा है लंबाई 6 मीटर वाले, 6 मीटर की लंबाई है, और ये है एक स्तंभ, स्तंभ मतलब कहते हैं इसके लिए खंभा कह सकते हैं, जो हमने देखे हुए हैं लगे होते हैं पोल, स्तंभ का मतलब खंभा, ठीक है। तो ये लगा हुआ है और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर बन रही है, कितनी बन रही है, 4 मीटर उसकी छाया बन रही है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार है उसकी छाया की लंबाई, उसकी छाया की लंबाई जो है मीनार की वो कितनी है, वो है 28 मीटर मीनार की। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इनका अनुपात निकाल लो। ये कैसे है, ये त्रिभुज समरूप है, कैसे है, समरूप है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, अतः एबीसी तथा पीक्यूआर समरूप है, अतः अनुपात बराबर होंगे, अनुपात बराबर होंगे, अनुपात बराबर होंगे, यानी इसका लंब और इसका आधार, इसका लंब h है, इसका आधार है 28, तो h का मान निकाल लो, h बराबर हो जाएगा 28 गुणा 6 और बटे में 28 गुणा 6 बटे में 4, तो 4 सत्ते 28 हो गया, यानी h बराबर आ गया 7 गुणा 6, यानी h का मान आ गया आपके लिए 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर दिया गया, तो मीटर लिख लो 42 मीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया है, और ये मीनार की ऊंचाई हो गया, अतः लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 42 मीटर होगी मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पर आपके लिए क्या करना है, अगला प्रश्न है,
सोलहवां प्रश्न है, देखिए सोलहवां प्रश्न में आपके कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोलहवां प्रश्न क्या लिखा है, एडी तथा पीएम त्रिभुजों एबीसी तथा पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। एक त्रिभुज एबीसी बना देता हूं, एक त्रिभुज है पीक्यूआर, पीक्यूआर एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है, और त्रिभुज एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, त्रिभुज एबीसी सिमिलर मतलब समरूप है पीक्यूआर के, और कह रहे हैं इनकी जो माध्यिकाएं हैं एक है एडी और एक है पीएम, ये है माध्यिकाएं, क्या है माध्यिकाएं हैं, और कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि ये समानुपाती होंगे, मतलब ये जो हैंगे सिमिलर होंगे, ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है भाई, इसको सिद्ध करना है। कैसे करेंगे सिद्ध, देखिए ध्यान से, ये राइट एंगल पर बन रहे हैं और ये जो है एडी है, एडी तथा पीएम माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, एडी तथा पीएम माध्यिकाएं हैं, और एडी तथा पीएम अगर माध्यिकाएं हैं तो बेटा देखना ध्यान से कि यहां पर एडी पीएम माध्यिकाएं, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं आरएचएस प्रॉपर्टी लगा देंगे, बाई आरएचएस, आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल हाइपरटेनस साइड, यानी समकोण कर्ण भुजा, ये होता है आरएचएस, है ना, समकोण त्रिभुज का आरएचएस क्राइटेरियन। तो ये आरएचएस क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं, ये क्राइटेरियन अगर हम लगा देंगे, क्राइटेरियन का मतलब होता है कसौटी, क्या कहते हैं हिंदी में, कसौटी, तो कसौटी लगा देंगे और यहां पर ये आरएचएस से सिमिलर हो जाएगा, एबीसी सिमिलर है त्रिभुज पीक्यूआर के, और यहां पर ये भी लिख देंगे कि यहां का एडी बराबर होगा यहां के पीएम के, और यहां का एसी बराबर होगा यहां के कुछ भी, आप दूसरा ट्राइंगल ले लो पीआर के, तो इस तरीका से यहां पर भुजाएं बराबर होंगी, इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज एबीसी है और ये पीक्यूआर है वो समरूप होंगे, बात समझ गया बेटा, क्राइटेरियन लगानी है आपके लिए आरएचएस, आरएचएस क्राइटेरियन से लगा देंगे, अगर हम कॉन्ग्रुएंस दिखा देंगे तब तो ये सिमिलर होगा ही होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा तो जाहिर सी बात है सिमिलर होगा, ये मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है, तो वो समरूप जरूर होगा, लेकिन कोई अगर फिगर समरूप है वो तो जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंस हो, इस बात की गारंटी हम नहीं देते, ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो हमारा प्रश्न ये हो चुका है सोलहवां, और सत्रहवां अठारहवां बचा है लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो सत्रहवां अठारहवां भी आज फिनिश हो जाएगा, और फिर आपके लिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न एक वीडियो मिल जाएंगे पूरी बेहतरीन तरीके से, और फिर यह चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो अभी प्रश्न करा रहे हैं आपके लिए सत्रहवां प्रश्न, देखिए बच्चों यहां पर हम सत्रहवां प्रश्न आपके लिए बताने जा रहे हैं, और सत्रहवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लिखा है 6.48 जो एक चित्र बना हुआ है, मैं बना देता हूं इस तरीके से है, यहां R है, यहां S है, यहां T है, ये है एंगल, ये भी एंगल, और ये है Q, और ये है P, और यहां पर बोला गया है कि एंगल P जो है वो एंगल R T S के बराबर है, यानी एंगल जो P है वो R T S के बराबर है, यहां के बराबर है, यहां का एंगल यहां के बराबर है। तो कह रहे हैं कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज आर टी एस के, ये आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध करना है ये आपके लिए, ठीक है। एंगल पी जो है वो आर टी एस के बराबर है, और आपको प्रूफ करना है आर पी क्यू आर टी एस के समरूप होगा, तो बिल्कुल होगा। देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, पहले आर पी क्यू को पकड़ो, आर पी क्यू को पकड़ो, आर पी क्यू त्रिभुज से, आर पी क्यू से, आर पी क्यू से, आर पी क्यू से, यानी इसमें भुजा है आर पी, ध्यान से सुनना, आर पी, और इसमें भुजा है आर क्यू, आर क्यू, ये दो भुजाएं हैं, बराबर है, बराबर है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लो आर टी एस, आर टी एस त्रिभुज आर टी एस से,
क्या है आरटी एस से? आर एस आरटी के बराबर है। अगर करस्पॉन्डिंग भुजाएं बराबर हैं, यानी इसका मतलब ये जो है, ये मैंने जो लिखा हुआ है आरपी, आरपी लिखा हुआ है, यानी आरपी बराबर है आर एस के, और इसी तरीके से आर क्यू बराबर है आर टी के, यानी बराबर होने का मतलब है इनका अनुपात, इनका अनुपात बराबर है। यहां का अनुपात, यहां का आरपी और यहां का आर एस और यहां का आरटी और यहां का जो है, यहां का आरटी, यहां का आरक्यू, ये बराबर है, ये अनुपात बराबर है। अगर ये अनुपात बराबर है, ये भुजाओं का अनुपात बराबर है, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस के, आर टी एस के, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरियन भी लगा सकते हैं, ये त्रिभुज एंगल पी एंगल टी के बराबर है, एंगल पी एंगल टी के बराबर है, इसलिए हम इसको समरूप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समरूप है, ठीक है भाई, समरूप है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 18वें प्रश्न की, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न का 18वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, और फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, फिर उसके बाद चैप्टर फिनिश है। तो इस वीडियो में आपके लिए 18वां प्रश्न तक मिलेंगे, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो जब हमारी प्राप्त होगी आपके लिए, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूरे मिल जाएंगे, और सब एक ही वीडियो में खत्म मिलेगा आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और फिर इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर शुरू होगा कोई ना कोई। और कहीं ना कहीं हमने आपके लिए पूरा जो है सिलेबस डाउनलोड कर दिया है हमारे आरपी चैनल पर, और कहीं ना कहीं इस पर आप हमारी जो वीडियो लगातार देख रहे होंगे उसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और विद्या की बुक है आपकी चल रही है, और पूरी पूरी हमने जो है इसको लगभग करा दिया है, कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं एक दो, और वो भी हो जाएंगे बेटा। तो इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी आपके लिए, और बहुत ही लाभ होने वाला है आपके लिए। चैनल से कनेक्टेड रहिए, और चैनल को पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिससे कि आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर 18वां प्रश्न लिखा है एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी स्क्वायर बराबर दिया गया है बीडी इंटू डीसी, और कह रहे एडी जो है परपेंडिकुलर है, एडी लंबवत है बीसी के, एडी लंबवत है बीसी के, यानी एक त्रिभुज है इस तरीके से, इसमें एडी जो है वो लंबवत है बीसी के, यानी ये लंब है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि तो सिद्ध करिए कि एंगल बीएसी 90 डिग्री होगा, बीएसी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये आपको सिद्ध करना है। देखो कितना बढ़िया इजी प्रश्न है ना, सिद्ध करना है कि बीएसी 90 डिग्री होगा, तो बिल्कुल होगा। अब यहां पर हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, यहां पर जो एडी है, एडी वो क्या है, लंब है, लंब है बीसी पर, बीसी पर, बीसी पर लंब है, ठीक है ना, एडी बीसी पर लंब है। तो हम यहां पर जरा देखिए ध्यान से, ये सिमिलर होंगे, यानी त्रिभुज एडीसी सिमिलर है त्रिभुज एडीबी के, एडीबी के ये सिमिलर है, यानी समरूप है, ये समरूप है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पर ये अगर समरूप है तो हमने ये मान लिया कि इनका भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहां पर यहां का AD और बटे में BD, बटे में BD हो जाएगा, AD बटे में BD बराबर यहां का जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर DC है, ये DC, DC, तो DC अपॉन AD हो जाएगा, DC अपॉन AD। अब AD की गुणा AD से कर दो, AD स्क्वायर आ जाएगा बराबर में BD इंटू DC, ये हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है ना भाई, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके लिए इस वीडियो में समाप्त हो चुके हैं, और आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगली वीडियो में मिल जाएंगे हमारी, और जब भी आप देखेंगे तो आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, और फिर इसके बाद आपके लिए चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तभी अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो लेकिन तब तक कि आप इतना तैयार करेंगे, और बहुत सारी हमारी वीडियोज पीछे पड़ी हुई हैं, प्लेलिस्ट आप देख लेना, जितना भी कंटेंट पढ़ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने आपके लिए सबसे पहले शुरू किए थे, पूरे हो चुके हैं, और अब कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं, फिर आपके लिए पूरी बुक जो विद्या की हम पढ़ा रहे हैं वो समाप्त होने वाली है, और पूरा सिलेबस आपका अपलोड हो चुका है। तो देखते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।